Hello, namaste and welcome back to my channel Fonde Foodie. I am Shikha and I am here with another simple and quick recipe of a mayo sandwich. I'm going to show you two ways of making it. So let's begin the recipe. Main yahan pe le rahi hoon cucumber finely chopped, onion finely chopped, shredded cabbage. Aap chaho to isko finely chop kar sakte ho. As you like it, grated carrot, इसको भी आप finely chop कर सकते हो if you wish to, tomato, you can skip tomato if you don't like it, capsicum finely chopped, you can add corn also, sweet corn, या फिर आप और कोई आपकी favorite सब्जी है तो आप वो आप add कर सकते हो, आप bell peppers add कर सकते हो, इस मैंने black pepper powder and salt add कर दिया है एंड 3 टेबल स्पून मेयो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिए ईजी सैंडविच है बहुत जल्दी बन जाता है और यू नो पिकनिक वगैरह पे लेके जाने के लिए अच्छा है या फिर कहीं आउटिंग पे जा रहे हो आप या फिर बीच पे आप जा रहे हो तो अगर आप इतना कुछ लेके जाना चाहते हो तो बहुत जल्दी फटाफट बन जाता है ईजी है तो ये आप ज़रूर कैरी कर सकते हो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है अब हमें कुछ नहीं करना है ब्रेड मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड आप चाहे तो वाइट ब्रेड ले सकते हो इसमें मैं थोड़ा बटर अप्लाई कर रही हूँ अगर आपके पास ग्रीन चटनी हो तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर वो भी बहुत उसके साथ भी अच्छा टेस्ट आएगा और मैंने इसके एजेस कट किए हैं बिकॉज इसको मैं टोस्ट नहीं करने वाली हूँ दिस इज़ गोइंग टू बी एज सिंपल एज इट इज़ लुकिंग लाइक तो इसीलिए एजेस अच्छे नहीं लगते इसके लिए एजेस रिमूव्ड अभी आप इसको अपने शेप एंड साइज में कट कर लो एंड एंजॉय है ना इजी लुक एट दिस नेक्स्ट वन इज़ टोस्टेड वन इसको मैं टोस्ट करने वाली हूँ तो इसीलिए मैंने इसके एजेस कट नहीं किए हैं इस पर मैं वापस दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे बटर अप्लाई करूँगी एंड ग्रीन चटनी तो आप वो अप्लाई कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले भी बताया अभी इस पर जनरस अमाउंट में जो हमारा मिक्सचर है वो अप्लाई कर देंगे इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे एंड देन इसको दूसरे ब्रेड स्लाइस से कवर करके इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम बटर अप्लाई करेंगे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं अगर आपको नहीं ज़्यादा पसंद तो अभी हम इसको टोस्ट कर लेते हैं आप चाहो तो ग्रिल भी कर सकते हो अगर आपके पास है तो या फिर आप टोस्टर में भी आप इसको टोस्ट कर सकते हैं या फिर ये नॉर्मल जैसे मैं पैन पे कर रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं अभी मैं ऊपर वाली ब्रेड स्लाइस पे बटर अप्लाई कर रही हूँ एंड देन फ्लिप इट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा दोनों साइड से तो इसको आप गरम गरम एंजॉय करिए ये चाय वगैरह के साथ आई एम नॉट श्योर कैसा लगेगा जूस के साथ आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा मतलब मैं जनरली जूस के साथ ही प्रेफर करती हूँ बट ऑफकोर्स इट्स योर विश अपनी मर्जी का शेप एंड साइज एंड देन एंजॉय डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस रेसिपी अगर आपने ये पहले ट्राई नहीं किया है तो ट्राई ज़रूर करना आपका टाइम काफ़ी बचेगा एंड यू विल ऑल्सो इन्जॉय दिस तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ईट लिव एंड लव डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक केयर बाय बाय